अभी हम वहाँ से निकल आए हैं जिस जगह से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी हम पहुँचे हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे जहाँ पे पहाड़ बहुत ही बढ़िया, आसमान जगह चक लग रहा है और ये पहाड़ देख रहे हैं आप, और ये मदरसे के तालबिल हमारे साथ हैं। और रास्ता थोड़ा खराब है, मुश्किलें हो रही हैं चलने में। उस तरफ का व्यू आप बड़ा व्यू नजर आता है, ये पहाड़ यहाँ से आप देख सकते हैं, इन पहाड़ों के बीच में से अभी हम गुजर रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं और मजा बहुत आ रहा है। आ गए हैं, ये आप दरिया देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ का व्यू एकदम मस्त नजर आ रहा है, और ये आप पहाड़ देख सकते हैं इस तरफ। अभी हमने इस रास्ते से ऊपर जाना है और आगे हमारे मुख्तसर, हमारी आंख, हमारी शान, सब कुछ ये यहाँ से अभी हमने ऊपर चढ़ना है, वो आगे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे अभी हमारे कुछ साथी जा रहे हैं, पहाड़ आपको नजर आ रहा है, और ये व्यू जो नजर आ रहा है एकदम मस्त व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है अभी, और इस दरिया का तो एकदम मस्त व्यू आ रहा है, और यहाँ दरिया की आवाज बहुत ही बढ़िया, व्यू देखने अच्छा लगा और इंजॉय करें हमारे साथ हमारे पूरे इस सफर के दौरान, हमारे ब्लॉग्स को देखते रहें, और इंशाल्लाह हम आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अभी मेरे साथ मौलवी सजाद सब आ रहे हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ रास्ते में फुल एडवेंचर हो रहा है अभी, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है, पहाड़ों के बीच में से जाना पड़ रहा है। और अभी हम पहुंचे हैं इधर से, यहाँ पे से पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है जाना कहाँ और जाना कहाँ से, हमारे साथ जुड़े रहे इस वीडियो में आखिर तक, और ये मौलवी सजाद सब आपको बताएंगे रास्ता रास्ता का। जी बस ये जो है आगे आगे चल रहा है सीधा रास्ता, आदेदी साहब आपका शुक्रिया, मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो पानी एकदम ठंडा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी बंदे वीडियो में नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें फुल एडवेंचर हो रहा है, अभी तक पहले व्लॉग में इतना एडवेंचर नहीं हुआ था, सिंपल ही व्लॉग बना था लेकिन इसमें फुल एडवेंचर हो रहा है। खड़ा भी नहीं हो सकता है, इतने छोटे होते हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और आगे हमने उस पहाड़ के ऊपर जाना है, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पहुँचने आगे और रास्ता यहाँ से चलना है, उसके बाद निकलना है, एक यहाँ पे अभी हम एक जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं, पूरा जंगल ही जंगल है, पूरी लाइफ में ऐसे जंगल के बीच में नहीं मैं गुजरा हूँ, और फुल एडवेंचर हो रहा है अभी, पीछे हमारे सारे साथी आ रहे हैं, एकदम मस्त एडवेंचर हो रहा है, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, आपको पेड़ों के अलावा और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पेड़ और हम, और
और यहाँ से तकरीबन अभी आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे उस पहाड़ के ऊपर जो हमने आपको दिखाया था पहले, जहाँ पे हमने जाना है। और ध्यान लगे अभी हम इस जगह पे पहुँच गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। और जहाँ हम रात को ठहरे थे वो जो सामने मकान नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हम रात को ठहरे थे और सुबह हम वहाँ से निकले और अभी हम इस जगह पहुँचे हैं। और अभी जहाँ हमने जाना है वो जाना है वहाँ पे, यहाँ से अब 10-20 मिनट का सफर रहा है, इसके बाद हम पहुँच जाएंगे उस जगह पे जहाँ हमने सुबह इरादा किया था जाने का। कल दोपहर को हम जुमे पहरा वाला डाला था तो उसमें हम वो वहाँ जो जगह नजर आ रही है घूम करके वहाँ पे, उसके बाद रात को हमने स्टे उधर पे किया, उसके बाद सुबह हम वहाँ से निकले। और अभी हम इस जगह पे जाने वाले हैं, जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको इस जगह का भी दिखाएंगे। तो फाइनली हम बहुत स्ट्रगल करके रास्ते में बहुत एडवेंचर हुआ तो उसके बाद हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ के लिए हम सुबह निकले थे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू आ रहा है अभी, उस जगह पे आप आएंगे आपको इस जगह का व्यू दिखाएंगे। अभी 10:15 टाइम हो गया है, कम से कम 1.5 घंटे का सफर रहा हमारा जिस जगह से हम निकले थे। और अभी हम पहुँच गए हैं उस पहाड़ के ऊपर जहाँ हमने पहुँचना था। तो अभी आपको इस जगह का अच्छी तरह से व्यू दिखाते हैं। अच्छी लगी